माईसेल्फ अमित सिंह, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। अब हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हमको यहाँ पे टॉपिक कवर करने हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स भी हम लोग बोलेंगे, तो इसमें प्लेन मिरर, एक्चुअल में प्लेन मिरर जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ के सिलेबस का पार्ट तो नहीं है पर कंपटीशन का पार्ट है, है ना। क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसका जो भी स्टडी है वो क्लास टेंथ के सिलेबस में है और ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर हम प्लेन मिरर कंपटीशन के लिए स्टडी करेंगे, पर जो ट्वेल्थ का सिलेबस का पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर है ना, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस एंड प्रिज्म लेंस, ये टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक जो है वो हम इस टॉपिक के इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ा काम तो रे का ही है ना। तो जब रे का काम है तो रे क्या होगा वो सबसे पहले हम बात करें, है ना। रे के लिए यानी अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये किसी एक या दो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, पर हम टॉपिक वाइज इसको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे जो भी इसके सब टॉपिक हैं, जैसे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, है ना, लेंस, जो भी है वो हम लोग कवर करते जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे बेसिक काम पहले तो हमें रे को ही समझना है ना। तो रे क्या होगा कि जो बेसिकली हम लाइट रे की बात करेंगे तो वो लाइट रे जो होगा वो पाथ ऑफ द लाइट होगा। जैसे जैसे लाइट चलेगा, यदि कोई लाइट इस तरह से जा रहा है इस पाथ के थ्रू, तो ये हम इसको लाइट रे कहेंगे। अब लाइट जो बीम होगा ये एक तरह से कहिए बंडल होगा, है ना, बंडल ऑफ लाइट रे। बंडल ऑफ लाइट रे अब ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो, एक तो हो सकता है कन्वर्जेंट बीम। तो कन्वर्जेंट का मतलब हुआ लाइट ऐसे आए और ये कन्वर्ज हो, तो ये कन्वर्जेंट बीम हो जाएगा। सेकेंड होता है डाइवर्जेंट बीम। तो डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, स्प्रेड करे ऐसे, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड जो होगा वो पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम में क्या है, लाइट रेज जितनी ग्रुप में होगी वो सबके सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके। तो अब जो लाइट इंसिडेंट होगा या तो वो कन्वर्जेंट होगा या पैरेलल होगा या डाइवर्जेंट होगा, है ना। और इमेज बनाने के लिए जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट होगा तो वो भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, है ना, या पैरेलल। तो पैरेलल जो लाइट होगा वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट पे मिलेगा। बाकी आप क्या कहोगे, आपको दिखेगा कोई फाइनाइट पॉइंट जहां पे वो मिल सकते हैं रियल में या वर्चुअली। तो यहां पर पहले तो हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके करिस्पॉन्डिंग होगा। तो ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाएंगे ये होगा करिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट लाइट। अच्छा, जो इंसिडेंट लाइट रे होंगे वो किसी के लिए इंसिडेंट होगा तो किसी के लिए रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है। मतलब कोई किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी के लिए ऑब्जेक्ट है तो किसी के लिए इमेज का भी काम कर सकता है, है ना। तो इसको हम टॉपिक में आगे कवर कर रहे हैं कैसे करेगा। और जो इमेज होगा ये किसके करिस्पॉन्डिंग होगा, ये बनेगा करिस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। मतलब ऑब्जेक्ट जो भी होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो इंसिडेंट लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो।
और जो इमेज होगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, चाहे वो रियल में मिले या वर्चुअली आपको एक्सटेंड करना पड़े। अब हम ये समझें बात को कि कभी कभी ऐसा होगा कि वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे वो इंसिडेंट को कट कर रहा है। यदि रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंसिडेंट को कट कर रहा है तो उससे कुछ नहीं बनेगा। इमेज तभी बनेगा जब रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे, कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें, रिफ्रैक्टेड मतलब ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें, तब इमेज बनेगा, है ना। ये नहीं कि एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इंसिडेंट रे के करिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड के करिस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अब उसके बेसिस पर जो ऑब्जेक्ट होगा ये दो तरह से हो सकता है, या तो रियल होगा या होगा वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट कब बनेगा ये देखें, जब इसमें इंसिडेंट जो लाइट रेज हैं वो कैसे हैं, इंसिडेंट लाइट रेज डाइवर्जिंग हो, मतलब इंसिडेंट लाइट बीम कह लीजिए आप, कैसे हो, इंसिडेंट लाइट रेज डाइवर्जिंग हो, तो ये क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा। वर्चुअल बनाएगा जब इंसिडेंट लाइट रेज कन्वर्जिंग हो, हम अभी एग्जाम्पल में बताएंगे कैसे, पर ये हो गया। इसी तरह से इमेज भी या तो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। अब इमेज किससे बनता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो आप कहिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर कन्वर्जेंट, कैसे हो, कन्वर्जिंग बने, उल्टा हो जाएगा, इसमें डाइवर्जिंग रियल के लिए लेकिन इमेज में कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग। ऐसी वर्चुअल के लिए क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड है या फिर रिफ्रैक्टेड जो लाइट रेज हैं आर, जैसे इसमें क्या था कन्वर्जिंग, तो इसमें कैसा हो जाएगा डाइवर्जिंग। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि ये इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। कैसे, हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू देखें। अब इसको देखें जरा, जैसे एक प्लेन मिरर ही ले लिया, सपोज लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, एक इस तरह से एक इस तरह से, अब बीच में ये मिरर आ गया, तो जब ये बीच में मिरर आ गया तो लाइट को यहां तो जाने नहीं देगा, लेकिन ये मिरर नहीं होता तो हमें पता है कि ये लाइट यहां कहीं इंटरसेक्ट करते, यहां कहीं करते। अब देखो ये जो लाइट रेज है इंसिडेंट है ना, ये दोनों गिर रहा है तो इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट लाइट रे जब कन्वर्जिंग हो तो ये कन्वर्जिंग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, तो यहां पर कैसा हो सकता है, ये रियल हो सकता है ना। तो जब ये रियल होगा तो इस रियल के लिए देखो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सॉरी रियल तो नहीं हो रहा है यहां पे, क्यों, मिरर नहीं होता तो लाइट यहां इंटरसेक्ट करता, अब मिरर ने तो इसको रोक दिया, रिफ्लेक्ट करा देगा लाइट, तो फिर ऑब्जेक्ट कहां, ये कैसे पता करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो पता करेंगे, तो इसमें रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमने वर्चुअली खींचा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा लेकिन ये कैसा होगा, वर्चुअल। या दूसरे टर्म में आप देखो तो हमने क्या बोला, जब इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्जिंग हो तो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। अब इस वाले केस में मान लो लाइट रे एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां होगा तो अब इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे के करिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये डाइवर्जिंग है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कुछ इस तरह का, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने बता दिया है ना, तो ये रियल है या फिर वर्चुअल है, इस तरह से आप देखोगे। अब इसी तरह से मान लीजिए कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है, इमेज की हम बात करें या इमेज छोड़ो जो कुछ भी है, मान लीजिए कोई लाइट रे है
इससे इधर रिफ्लेक्ट होके आया और इससे इधर रिफ्लेक्ट होके आया, तो ये बताओ कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। देखो अच्छा आप कहोगे कि सर इसके बाद तो ये डाइवर्जिंग हो गया, उसके बाद नहीं देखते हैं, देखना वहां पे जहां पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो इंसिडेंट यहां हुआ तो इस सरफेस के करिस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो इस सरफेस के लिए क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, है ना। इस सरफेस के इंसिडेंट इस पे हो रहा है ना, तो इस सरफेस के करिस्पॉन्डिंग क्या हुआ, डाइवर्जेंट। देखो फैल रहा था ना, इसमें देखो रिफ्लेक्शन तो इसी सरफेस से हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर आया, इधर तो कन्वर्ज हो रहा है, तो कन्वर्ज का जो यदि भाई इंसिडेंट एरो निकलने वाला तो रिफ्लेक्ट ही दिखाओगे ना, तो ये जो इमेज बना जैसे भी बना हो, है ना, तो ये कैसा बनेगा, ये रियल बना। हमने इमेज के लिए क्या बोला, यदि रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग हो तो रियल इमेज होगा। मान लीजिए ऐसे नहीं होता, बल्कि इस तरह की कुछ सिचुएशन होती कि एक मिरर ऐसे लाइट चला गया और दूसरा ऐसे चला गया, तो अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो इस तरह दिखाएंगे तो इंसिडेंट है, अब निकलते हुए दिखा रहे तो रिफ्लेक्टेड हुआ, ऐसे दिखा रहे ना तो ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तो इसके करिस्पॉन्डिंग ये देखो डाइवर्जिंग है, तो ये तो मिलेगा नहीं और बनाना तो है ही, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ वर्चुअल, रियल में क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि मिरर है, उधर पॉलिश उधर लाइट कैसे जाएगा, तो इसको वर्चुअली खींचना का पड़ेगा। तो जो मिला आपको या यूं कह लीजिए तो ये इमेज बना, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, या फिर हमने वैसे ही बताया कि जब डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे होंगी तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल हुआ। तो ये हमने जो बताया इसको करिस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल, इस सी और डी जो पार्ट बताए किसके करिस्पॉन्डिंग बताए, इमेज के करिस्पॉन्डिंग की रियल होगा या वर्चुअल होगा, समझ गया ना। तो इस तरह से हम रियल और वर्चुअल पहचान सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ मिरर के लिए बताया, बाकी आप जैसे लेंस ही होता है तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते थे। कैसे, मान लीजिए इसमें और हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये लेंस है, तो इस लेंस में पता चला कि लाइट ऐसे जा रहा है, तो ये तो ऐसे निकल गया, दूसरा ऐसे जाके ऐसे मिला, तो देखो जब तक ये लाइट यहाँ पे देखो इस तरफ गिर रहा है तो ये डाइवर्जेंट हो गया, मतलब इस कैटेगरी में आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, रियल। और इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे है, और लाइट जब इससे निकल गया तो रिफ्रैक्टेड हो गया, रिफ्रैक्टेड के बाद यहाँ इंटरसेक्ट किया, और तुम इसके करिस्पॉन्डिंग देखोगे तुम कहोगे सर यहाँ तो डाइवर्जिंग है, जबकि यहाँ इसके करिस्पॉन्डिंग देखना लेंस के करिस्पॉन्डिंग, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग है। तो जो इमेज है वो भी कैसा हुआ, रियल, हमने अभी बताया ना आपको, यदि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड तो इसमें रिफ्लेक्टेड थी, जबकि इसमें क्या रिफ्रैक्टेड रे है, यदि कन्वर्जिंग होगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो चाहे रिफ्रैक्टेड। मान लीजिए कोई और एक एग्जाम्पल है, मान लो ऐसे कोई लेंस होता, लाइट एक तो ऐसे चला गया और दूसरा ऐसे चला गया, ये इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, रियल, क्योंकि कन्वर्जिंग, अच्छा ये सॉरी ये डाइवर्जिंग है, और रिफ्लेक्ट जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी डाइवर्जिंग है। यदि रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होता है तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो इमेज बताया था मैंने वर्चुअल, तो आप वर्चुअल कैसे, इधर तो लाइट निकल चुका है, हमें इमेज बनाना ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे खींचे वर्चुअली, पीछे क्यों खींच रहे, क्योंकि लाइट अब वापस नहीं आ सकता, लाइट तो निकल गया ना, तो हम पीछे बनाना है, तो इसलिए हम डॉटेड करके बनाएंगे। अच्छा कभी कभी तुमको ये लगेगा सर ये लाइट और इसका इंटरसेक्शन, तो ये जाने वाले लाइट का नहीं है, बल्कि जो लाइट निकल चुका, निकला कौन है, ये वाला और ये वाला, इसका इंटरसेक्शन, ये निकल चुका इसका इंटरसेक्शन इमेज होगा। तो अब आप कहोगे नहीं तो सर ये तो इंसिडेंट के साथ हो रहा है, तो इंसिडेंट के साथ नहीं हो रहा है, इंसिडेंट के साथ थोड़ी बनता है, ऑब्जेक्ट के करिस्पॉन्डिंग क्या होता है, इंसिडेंट रे, इमेज के करिस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड इसका एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसलिए जिस तरह हमने इसको वर्चुअली खींचा उसी तरह इसको भी पीछे खींचोगे, अब पीछे खींचोगे तो वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, एक अलग बात है, तो ये जो इमेज बनेगा वो कैसे होगा, वर्चुअल। या ऐसे सोच लो कि जहां लाइट जा नहीं सकता है वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिले तो उसके करिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट या इमेज वर्चुअल होगा, और जहां लाइट पहुंच सकता है या जहां से आ सकता है तो उसके करिस्पॉन्डिंग क्या होगा, रियल होगा, ऐसे सोचें। अदरवाइज हमने रियल वर्चुअल आपको बता दिया, जो डेफिनेशन थी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रियल कब होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा जब लाइट रे डाइवर्जिंग हो। इमेज रियल कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्जिंग हो, उल्टा। फिर
ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, जब इंसिडेंट लाइट रे कैसे हो, कन्वर्जिंग हो, जबकि इमेज जो होगा वो वर्चुअल कब होगा, जब इंसिडेंट, जब रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज कैसे हो, डाइवर्जिंग हो। समझ गया ना, तो ये हो गया। तो अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। तो पहले तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही देखना है। तो फर्स्ट लॉ हम लोग क्या करते थे स्टडी, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल बी कोप्लेनर। ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, विल बी कोप्लेनर। एंड सेकेंड ला, सेकेंड ला ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये हुआ आई इक्वल टू आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हैं, ये होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बेसिकली क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक टर्म और यूज होता है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग, कहीं कहीं आ जाता है। तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग बेसिकली होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ, इसको एंगल ऑफ ग्लांसिंग बोलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिखते हैं, तो जो एंगल ऑफ ग्लांसिंग होगा, जैसे हम इसको थीटा लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं, तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग बन जाएगा 90 माइनस आई, है ना, 90 माइनस आई। तो यहां पर हमने ये नहीं बोला अभी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर, मैंने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जहां से भी रिफ्लेक्शन हो सके, जैसे स्टील का ग्लास है, उससे भी तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, जिससे भी रिफ्लेक्शन हो, कोई भी पॉलिश सरफेस हो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो कर्व्ड है, वो प्लेन है, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे। प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर से उसका कोई वास्ता नहीं है, सबके लिए वैलिड है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जैसे ये प्लेन मिरर हो गया या स्फेरिकल मिरर हो गया, कुछ भी आपने लिया, इस तरह से लाइट इंसिडेंट हुआ, तो इसको हम इंसिडेंट लाइट ले, कैपिटल आई से लिख रहा है। तो ये इस पॉइंट पर ये नॉर्मल होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल होगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरह से होगा कि ये एक ही प्लेन में लाई करें, जैसे आप देखो ये एक प्लेन क्या होगा बोर्ड, और जबकि प्लेन मिरर कैसा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऐसे रहेगा। या इसमें देखो तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम कंडीशन इधर, ये स्फेरिकल हो, पैराबोलिक हो, कुछ भी बना रहे, मान लीजिए लाइट यहां इंसिडेंट हुआ, तो इस पॉइंट पर जो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल कहां हो गया इसका, ये वाला हो गया। तो जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये एंगल क्या हुआ, आर हुआ। अब एंगल ऑफ ग्लांसिंग क्या बताया, इंसिडेंट रे और जो भी सरफेस होगा मिरर का उसके साथ एंगल,
इसी तरह से इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर सरफेस का मतलब क्या हुआ, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ग्लांसिंग, ठीक है ना। तो ये इससे मतलब है आपको कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से एंगल बनाएगा, तो कौन सा आई कौन सा आर और किसको हम एंगल ऑफ ग्लांसिंग बोलेंगे। अब एक चीज और देखो, जब आई इक्वल टू आर है तो ये थीटा थीटा भी बराबर होना चाहिए, तभी तो पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो जब ये एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है तो मिरर के साथ भी दोनों क्या होगा, सेम, मतलब जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। लेकिन एंगल ऑफ ग्लांसिंग का डेफिनेशन जो है इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल, इसलिए हमने इसको लिखा। अच्छा, अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जब रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, है ना, रिफ्लेक्शन तो हम लोग आगे चल के एक टॉपिक होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें भी पढ़ेंगे, पर उसका रिफ्लेक्शन का और इसके रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट सेम है कुछ पार्ट अलग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है लेकिन कुछ चीजों में वेरिएशन आता है, तो उनके हम लोग डिस्कस करें। तो पहले तो यहां देखें कि जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो जिस मीडियम से चला लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाए। रिफ्लेक्शन क्या है कि यदि लाइट किसके फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी के फॉर्म में, यदि एनर्जी रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में वापस चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, और वो ट्रांसमिट हो जाए दूसरे मीडियम में तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो लाइट इंसिडेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे लाइट रे का स्टडी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो 11th के टॉपिक में हम लोग वेव स्टडी करते हैं वो होता है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, पर लाइट वेव तो मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रेवल कर जाएगा, प्रोपेगेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, पर मैकेनिकल वेव के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। जैसे साउंड वेव मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, ये तो एक मैकेनिकल वेव है, पर लाइट वेव जो आप देख पाते हो वो लाइट वेव हो गया। तो इवन चाहे लाइट वेव हो चाहे मैकेनिकल वेव हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे मैकेनिकल वेव हो, ये जिस फ्रीक्वेंसी का वेव होता है ये कितने भी मीडियम से पास होते हुए कहीं भी पहुंचे, इसका रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो, इसका फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता, है ना। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चाहे मैकेनिकल वेव हो, दो ही वेव हमको स्टडी करना है, इसका फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता। सपोज 2 × 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना भी रिफ्लेक्ट करे रिफ्रैक्ट करे कुछ भी चेंजेस आ जाए, पर फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं आता। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया तो अब दूसरा बात करते हैं हम स्पीड का। तो जो लाइट वेव हो चाहे मैकेनिकल वेव हो, स्पीड तो मीडियम पर फिर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करेगा। लाइट वेव फ्री स्पेस में भी चल सकता है, मतलब उसको चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में यदि वो ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगा, समझ गया ना। चलने के लिए प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कहिए लाइट वेव को, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उसका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्लियर। तो मैं बात कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन में तो लाइट जहां से चला उसी मीडियम में वापस आ गया, तो जिस मीडियम से चला उसी मीडियम में वापस आ गया, तो इसका मतलब है स्पीड तो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पर, तो इसका मतलब है स्पीड सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। अब हमें पता है रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वी इक्वल टू एन लैम्डा, एन यदि हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो v सेम है लैम्डा सेम है, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सॉरी v सेम हो गया फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो लैम्डा भी क्या रहेगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट्स पे हम लोग बात करें, तो ये आपको याद रखना है कि जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इवन कलर ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज, है ना, रिमेन सेम, व्हाइल फेज
चेंजेस बाय पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, मतलब यदि कोई पल्स ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उल्टा होके वापस आएगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फेज चेंजेस बाय पाई और 180 डिग्री। तो अभी हमने अभी तक का जो भी लेक्चर था उसमें हमने आपको समझाया कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम क्या है, डाइवर्जेंट बीम क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका सिर्फ प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर से मतलब नहीं है, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, जहां पर भी इनर्जी का रिफ्लेक्शन हो सकता है, वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें हमने लास्ट में आपको नोट करके बताया कि जब रिफ्लेक्शन होगा किससे, सरफेस से, मींस मिरर से, वो स्फेरिकल हो प्लेन हो, यदि मिरर से होता है रिफ्लेक्शन तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, कलर अनचेंज रहता है, लेकिन फेज उल्टा हो जाता है। फेज उल्टे का मतलब हुआ, अपोजिट फेज का मतलब हुआ, जैसे कोई रोप है या स्ट्रिंग है, इसको किसी जगह आप टाइटली क्लैंप कर दो, यहां से पल्स डेवलप कराओ, तो वो पल्स जब आगे बढ़ेगा तो टकराने के बाद आप उसको नोटिस करोगे, तो वो यदि ऊपर से जा रहा होगा तो वो ब्लो द स्ट्रिंग नीचे आएगा, ऐसे गया तो उल्टा होके नीचे आएगा। तो उल्टा होके नीचे आने का मतलब यदि ये साइन का कर्व आप बनाओ, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो साइन कर्व होते हैं, तो साइन कर्व होते हैं, तो इसका उल्टा ये वाला हुआ ना, तो इसमें डिफरेंस कितना होता है, पाई का डिफरेंस होता है। तो अपोजिट फेज का मतलब है कि वो उल्टा होके आ रहा, ये यहां तक हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थिन प्लेन मिरर। तो थिन प्लेन मिरर में थिक नहीं ले रहा है, थिक का मतलब होगा कि लाइट पहले इंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी हम थिन प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि लाइट इंसिडेंट हो तो सीधा रिफ्लेक्ट हो, तो हम उसके करिस्पोंडिंग यहां पे स्टडी करेंगे। तो थिन प्लेन मिरर में कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग यहां पर, क्योंकि ये क्लास जो है वो क्रैश कोर्स या कहिए रिव्यू क्लास है ना, एक फुल लेक्चर ना होके रिव्यू क्लास है, तो जब वो रिव्यू क्लास है तो इसमें हम डेरिवेशन आपको सारे नहीं बता सकते हैं, और जरूरत भी नहीं है, नीड नहीं है, है ना। हम लोग प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए सारा जो कुछ भी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी और फॉर्मूलाज को कवर कर पाए, उसके लिए हम ये लेक्चर्स तैयार किए हैं आपके लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हम इसमें जो पॉइंट्स डायरेक्ट हैं उनको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पर थिन प्लेन मिरर का जितना थ्योरी है उसमें जितने भी डेरिवेशंस होंगे वो सारे के सारे डेरिवेशंस सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप जानते हो, करिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर थिन प्लेन मिरर में हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये ले रहा हूं कि यदि हमारे पास ये प्लेन मिरर है और इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो जो इसका इमेज बनेगा वो ये बना, तो ये इमेज ए डैश बी डैश बना। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बना, इमेज बना। तो यदि इसका दूरी ऑब्जेक्ट का एक्स ओ है तो इसका दूरी कितना है, एक्स आई है। इसका हाइट एच ओ है तो इसका हाइट कितना है, एच आई है, है ना। इसका हाइट कितना हो जाएगा, एच आई। तो सिर्फ ये तो आप डेली लाइफ में देखते ही हो अपना फेस डेली, तो आप जानते हो कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूरी पर क्या बनता है, इमेज। और जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही हाइट किसका होता है, इमेज का। तो ये इसमें डेरिवेशन क्या करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और बट इसमें होता क्या है कि बट इफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, देन जो इसका इमेज होगा इट्स इमेज विल बी लेटरल इनवर्जन।
लेटरल इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होगा और राइट का क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ गया ना? तो इसलिए तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट दिखेगा हमें राइट में और राइट किस में दिखेगा, लेफ्ट साइड। तो ये लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेकिन यदि हम इसका लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज भी ऊपर की साइड ही बन रहा है, बस लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेटरल मैग्निफिकेशन की लेकिन बात करें तो लेटरल मैग्निफिकेशन ये हर जगह यूज होगा, प्लेन सरफेसेस में रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल सरफेसेस में रिफ्लेक्शन, फिर प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन और लेंसेस, सबके लिए ये टर्म यूज होगा। तो लेटरल मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऊपर है, इमेज बराबर भी है, तो ये प्लेन मिरर के लिए ये कितना होता है, प्लस वन। तो लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ या बाई प्लेन मिरर तो ये क्या होगा, प्लस वन होगा। बस ध्यान ये रखना है कि लेटरल इन्वर्जन होता है ना, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। तो ये ए पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम बी पॉइंट पर। जैसे सेकंड पॉइंट हम वेलोसिटी ऑफ इमेज लेते हैं, इफ मिरर रिमेन एट रेस्ट व्हाइल ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो इसमें दो केस होंगे, केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू सरफेस ऑफ मिरर, मींस यदि ये ऑब्जेक्ट है और मिरर सरफेस के पैरेलल चले, या यूं कह लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये एक मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस के पैरेलल का मतलब ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ये सब क्या है, पैरेलल है। तो जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा पैरेलल तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, अपोजिट साइड। तो इसलिए ये भी कहाँ चलेगा, इधर ही चलेगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये केस फर्स्ट हो गया। अब इसी के लिए हम केस सेकंड देखें। केस सेकंड ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नॉर्मल ऑफ मिरर, और नॉर्मल ऑफ द मिरर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। तो सरफेस ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर चले तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये होगा, देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा, तो इधर आना चाहिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर होगा। भाई ये पास आएगा क्लोजेस्ट, तो इसको भी क्लोज आने के लिए इधर होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, माइनस। मतलब पैरेलल के लिए सेम रहता है लेकिन परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, माइनस हो जाएगा। समझ गया ना? इसके बाद नेक्स्ट केस सी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट व्हाइल मिरर इज मूविंग। मिरर चले आप, तो फिर दो केस ले सकते हैं। फिर केस फर्स्ट, मिरर इज मूविंग अलोंग इट्स सरफेस,
मतलब मिरर अपने सरफेस के अलोंग चले, जैसे ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मिरर इधर चल रहा है वी एम वेलोसिटी से। तो जब ये मिरर इस तरफ चलेगा तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है इमेज हमेशा वही बनना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉर्मल डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा ना, ये मिरर चला जाएगा, क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा? ये डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा। तो जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज बनेगा उतना ही डिस्टेंस पर, तो इसलिए क्या होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर को हम भले ही वेलोसिटी बीएम से चला रहे हैं पर इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, मतलब इमेज रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इमेज भी क्या रहेगा, रेस्ट में। समझ गया ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब कुछ मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना है, तो ऑलवेज स्टडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग हमेशा कहां करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। अब हम केस फर्स्ट जैसे इसमें लिया कि अलोंग द सरफेस चलाएं तो इमेज का वेलोसिटी जीरो, और इसी का केस सेकेंड, इफ मिरर इज मूविंग along normal of mirror, or कह सकते हो आप perpendicular to the surface of mirror, या यूं कहिए हम इसके perpendicular चले, तो क्या possibility होगी, इसको देखें। तो इसमें जो possibility होगा कि ये मिरर है, यदि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है ये, लेकिन मिरर को हम लेफ्ट राइट का ही सरफेस के परपेंडिकुलर बीएम वेलोसिटी से चलाएं, तो जो इमेज होगा वो इसके डबल वेलोसिटी से चलता है, तो जो वी आई होगा वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि यदि हम इसको एक्स डिस्प्लेस कराएंगे तो ये टू एक्स चलेगा, तो वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि मिरर को एक्स चलाते हैं तो इमेज कितना चलता है, इसका डबल। समझ गए ना, मिरर को एक्स चलाएंगे तो इसका डबल चलेगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, और डायरेक्शन वही होगा। जैसे ये देखो, यहां मिरर हम राइट साइड चला रहे हैं तो ये भी कहां चलेगा, राइट साइड चलेगा। आप दूसरा ऐसे अभी हम इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे लेकिन तुमको समझा सकते हैं। देखो यहां पे मान लीजिए एक्स एम गया, तो इसका एक्स एम का मतलब हुआ एक्स एम डिस्टेंस इसका इंक्रीज हो गया, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूरी पर इमेज होगा। तो अब इमेज मिरर से जैसे ये एक्स एम शिफ्ट हुआ तो इमेज को इतना ही दूरी पर बनाने के लिए कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, टू एक्स एम, कितना बनाना पड़ेगा इसको, टू एक्स एम, क्योंकि एक्स एम इस ऑब्जेक्ट की वजह से शिफ्ट। जैसे यहां पे आप देखोगे ना मिरर कितना शिफ्ट हुआ, सपोज एक्स एम शिफ्ट हुआ है ना, तो अब ये इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट और मिरर का दूरी बढ़ रहा है तो इमेज का भी डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आता है, 2bm। अभी हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो हमने अभी चार पॉइंट समझे, मिरर रेस्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर के सरफेस के अलोंग चलाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर चलाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखें और मिरर को चलाएं तो मिरर जब अपने सरफेस के अलोंग चलता है तो इमेज का वेलोसिटी जीरो, और यदि मिरर अपने सरफेस के परपेंडिकुलर चलता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डबल ऑफ द मिरर वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, हम डेरिवेशन इसमें नहीं कराए, आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको हम लोग देखते हैं, इसमें है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बाय वन रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो देखो वन रिफ्लेक्शन के लिए तो एक ही मिरर होना चाहिए, जैसे कोई ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल हुआ तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता। लेकिन अब तो ये मिरर आ गया तो लाइट को यहां जाने ना दिया बल्कि इसको यहां रोटेट कर दिया, पर ये एंगल तो आई होगा, तो देखो जाना यहां था लेकिन रोटेट इधर कर दिया,
तो जो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ वो ये वाला हुआ डेल्टा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन की हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा बराबर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन 180 एंगल बनाता है उससे आई और आई माइनस करो तो डेल्टा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i या पाई माइनस 2i, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया बाई वन रिफ्लेक्शन और ऑफ मिरर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बाई टू रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है ई एंगल ऑफ डेविएशन बाई टू रिफ्लेक्शन, ठीक है टू रिफ्लेक्शन। अब सिर्फ टू रिफ्लेक्शन बोला है तो टू रिफ्लेक्शन के लिए टू मिरर तो होना चाहिए क्योंकि एक मिरर होगा ना तो एक ही रिफ्लेक्शन होगा। टू मिरर होंगे तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ टू रिफ्लेक्शन की वजह से चाहिए तो भी हमें दो मिरर तो होना चाहिए। दो मिरर से ऐसा नहीं कि दो ही रिफ्लेक्शन होता है, दो मिरर से तो बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो सकता है लेकिन वन मिरर से ओनली वन रिफ्लेक्शन होगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे टू रिफ्लेक्शन तो भी हमको कितने मिरर चाहिए, टू मिरर चाहिए। तो सपोज देयर आर टू मिरर्स, ये हमने लिया एम वन एंड एम टू। सपोज लाइट इंसिडेंट हुआ यहां पर कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल होगा यहां पर इस पॉइंट पर ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल कितना हुआ आई वन पहले मिरर के लिए। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे गिरेगा तो ये एंगल भी कितना हुआ आई वन हुआ। अब यहां नॉर्मल ये होगा इस एंगल को हम आई टू मान लें, तो अब इसको जब आप आई टू मानोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा ऐसे। अब हो सकता है कि लाइट फिर से इस पे गिर जाए तो फिर से रिफ्लेक्शन, लेकिन हमें टू ही रिफ्लेक्शन देखना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इधर हुआ, सेकेंड रिफ्लेक्शन इधर हुआ, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड रिफ्लेक्शन है। अब यहां देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन में लाइट को जाना था यहां पर, डेविएट कहां करा इधर पे है ना। इसके अलावा थोड़ा सा और सपोज ये मिरर के बीच का एंगल कितना है थीटा, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं या इसको बाद में लिख देंगे, चलिए आई वन है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस आई वन एंगल होगा। तब ये वाला एंगल अल्फा बना लें तो अल्फा की वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री से, अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री से हम थीटा माइनस करें और 90 माइनस आई वन माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस आई वन, ये हो गया। अब हम आई टू एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो इस पॉइंट पर देखो ये एंगल ऑफ ग्लांसिंग हुआ अल्फा, तो आई टू का वैल्यू क्या करोगे 90 डिग्री से हम किसको माइनस करें अल्फा को। अब बताइए 90 डिग्री से अल्फा को माइनस करो तो माइनस थीटा और प्लस आई वन, ब्रैकेट ओपन करो 90 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा थीटा है ना और माइनस का आई वन, तो ये हो गया आई टू। तो हम लोग आई टू फाइंड आउट कर लिए। अब एंगल ऑफ डेविएशन को ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन वो भी कौन सा नेट टू रिफ्लेक्शन के बाद, जरा देखें इस लाइट को इस डायरेक्शन में जाना था तो इसने फोल्ड कहाँ किया देखो यहां ऐसे जाएगा, तो ये जो डेल्टा वन हुआ और डायरेक्शन देखो इधर जा रहा था इसके इस तरफ घुमाया तो ये कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा वन। चलो ठीक है अब लाइट ऐसे ही चला जाता तो यही डेविएशन होता, लेकिन अब देखो अब लाइट को जाना कहां था इधर, इस मिरर ने इसको फिर से फोल्ड कर दिया और ये एंगल आई टू है तो ये भी तो आई टू ही होगा है ना इस मिरर के लिए। तो अब यहां पे देखो आप लाइट इधर जाना था इसने फिर से एंटी क्लॉकवाइज डेविएट किया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक एंटी क्लॉकवाइज होता है एक क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर लेते, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या करोगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू एड करो। अब डेल्टा वन का वैल्यू कितना है बताओ, ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन का केस हो गया। अभी इसके पहले मैंने बताया आपको क्या होता है पाई माइनस टू आई या यू कहिए 180 माइनस टू आई वन डेल्टा टू, इसी तरह से इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू हो गया तो इसको लिखोगे 180 डिग्री माइनस टू आई टू, चलो ये भी लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये 180 और 180 तो हो गया 360 माइनस टू आई वन
और माइनस टू आई टू, आई टू का वैल्यू कितना है थीटा माइनस आई वन, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट जब हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू आई वन कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा बचा, यानी ये बचा 360 डिग्री माइनस टू थीटा। तो जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन आया फाइनली वो कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू टू कॉमन ले लीजिए 180 माइनस थीटा, या फिर कहिए ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये बना। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया जो आपको याद रखना है, ठीक है, ट्वाइस या 360 माइनस टू थीटा या ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा। जरा इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो आई वन लिया, सब कुछ किया, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आई वन आई टू ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन है ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा या 360 माइनस टू थीटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल बिटवीन मिरर्स। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन मिरर्स। अच्छा, इसमें अब एंगल बिटवीन मिरर पे तो डिपेंड कर गया, लेकिन एंगल बिटवीन मिरर्स पे डिपेंड कर गया, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब है चाहे इसको आप 30 डिग्री पे डालो 60 डिग्री पे डालो, दो रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन यही होगा, लेकिन दो से तीसरा डेविएशन हो गया, मान लीजिए फिर से लाइट टकराएगा फिर से डेविएट होगा, तब के लिए रिजल्ट नहीं है। यदि टू से ज्यादा डेविएशन के लिए स्टडी करोगे आप, अब ये नहीं कह रहे कि टू डेविएशन के बाद खत्म हो गया, अभी तो ये चल रहे कंटिन्यू करेगा, लेकिन हमने जो एंगल ऑफ डेविएशन का तुमको फॉर्मूला निकाला है ओनली फॉर टू रिफ्लेक्शन, यदि टू के बाद थर्ड हो रहा है फोर्थ हो रहा है उसको भी इंक्लूड करना चाहोगे आप, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर टू रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने इमेज बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के करिस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट बोला था मैंने और रिफ्लेक्टेड रे के करिस्पोंडिंग इमेज बोला था, तो जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने इमेज बनते जाएंगे, और जब दो मिरर होंगे तो फिर कई बार रिफ्लेक्शन हो सकता है तो कई सारे इमेज बन सकते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर इसी के लिए नंबर ऑफ इमेजेस इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स। तो मान लीजिए ये दो मिरर है, एक M1 और इसी तरह से ये M2, कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो सपोज M1 M2 आर टू मिरर्स, इनके बीच कुछ एंगल होगा, तो बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट से इसका ये एक इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला दो। बेसिकली मिरर का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट नहीं है, फिगर में पॉइंट दिखता है क्योंकि मिरर की जगह लाइन दिख रहा है, तो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन प्लेन का इंटरसेक्शन, मिरर तो प्लेन होते हैं ना, तो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है, पर वो लाइन कैसे आएगा, क्योंकि मिरर ऐसे एक्सटेंडेड होंगे तो लाइन ऐसे आएगा, जैसे आप नोटबुक को ओपन करोगे ना तो जो एज होता है वो इस तरह का आएगा, उसी तरह का कंडीशन बनेगा, पर अभी तो मैं पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट देखो, तो जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये मिरर के साथ कुछ कुछ एंगल बनाएगा, सपोज ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, तो इमेज बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है ना, आप उस मेथड को समझो, है ना, रेगुलर क्लास होता तो मैं आपको ये बताता कि कैसे कैसे एंगल बनता है, अभी तुमको सिर्फ यही याद रखना है समझना है। आप क्या किया करो कि ये M1 और ये M2 दो मिरर बना लिए, M1 के जितने इमेज होंगे वो इतना, क्योंकि सेम एंगल पर बनता है सेम डिस्टेंस पे बनता है, तो M2 के इमेज इस तरफ बनेंगे, तो देखो M1 के जो इमेज बनेंगे वो इसके सिल्वर्ड फेस के पीछे बनेंगे, तो ये नीचे 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 इस तरह बनेंगे, तो इसके इमेज कैसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कैसे कहलाएगा, ये इस तरह का डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना,
तो ये जो डायरेक्शन होगा इसका वो इस तरह से चलेगा m1, और इसके जो इमेज होंगे वो कैसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। देखो m1 के इमेज नीचे चलेंगे, m2 के इमेज कहाँ चलेंगे, ऊपर ऐसे चलेंगे। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग m1 वाले इमेज नीचे चल रहे हैं, इसके इधर चलेंगे, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। हाँ, m1 के जो इमेज होंगे वो इसके रिस्पेक्ट में होंगे, m2 के जो इमेज होंगे वो m2 के रिस्पेक्ट में होंगे। मान लो m2 का पहला इमेज यहाँ से 20 डिग्री पे बना, ये एंगल 60 डिग्री है, और मैं m1 से पूछूंगा तो ये 20 हुआ और 60 पहले से तो 80 हो जाएगा, मतलब 60 हमें ऐड करना पड़ेगा और क्या है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है कि m1 के इमेज m1 के रिस्पेक्ट में, m2 के इमेज m2 के रिस्पेक्ट में। तो इसका पहला इमेज कहाँ बनेगा, अल्फा पर, इसका दूसरा इमेज कहाँ, इसका पहला इमेज कहाँ बनेगा, बीटा पर, लेकिन वो इससे आएगा। अब क्या किया करो आप, अब ये करना है कि इन दोनों एंगल का सम करो और क्रॉस करके ऐड करते जाओ। तो इन दोनों का सम कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, इसमें क्रॉस करोगे तो बीटा प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसके बाद इसमें फिर से अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, क्रॉस करते जाना है, तो ये बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसमें ऐड करो तो ये अल्फा और ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया। ऐसे चलते जाना है आपको, और रुकना कहाँ है, बिफोर 180 डिग्री, इक्वल टू 180 भी नहीं लेना है, 180 से पहले ही रुक जाना है। इसी तरह से ये भी क्या आप लिखोगे, बिफोर 180 डिग्री, उससे पहले रुक देना है ना। जब उससे पहले रुक जाएंगे फिर हम इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। 180 के बराबर भी हो रहा है तो भी नहीं लेना, बिफोर 180 डिग्री लेना है। तो अब आप केस फर्स्ट लोगे, इफ काउंटिंग, काउंटिंग मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट 180 से पहले तक के लिए जो काउंट करोगे, इफ काउंटिंग इज ऑड नंबर, काउंटिंग यदि कैसे बनता है, ऑड बनता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू काउंटिंग, जो काउंट किया था उसी के बराबर होगा, ठीक है ना। केस सेकेंड, इफ काउंटिंग इज इवन, मान लीजिए काउंटिंग किया और वो इवन नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तब क्या करेंगे, इफ काउंटिंग इज इवन नंबर, तब उस केस में आपको क्या करना है उसको देखें जरा। इफ काउंटिंग इज इवन नंबर देन स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट फर्स्ट एंगल्स, फर्स्ट एंगल्स क्या है, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंगल्स प्लस लास्ट एंगल्स। जैसे पहले एंगल अल्फा बीटा है, ऐसे लास्ट में कुछ बनेगा 180 से पहले, तो कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल्स, स्टेप पहला काम हमारा ये हो गया। अब इसमें और ये मान लीजिए कितना आया, इसको हमने फाइव मान लिया, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इक्वल टू फाइव मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो इफ फाइव इक्वल टू 360 डिग्री, यदि कभी ऐसा होता है कि फाइव कितना आता है 360 डिग्री, देन डेफिनेटली टू इमेजेस विल कोइंसाइड, जब दो इमेज कोइंसाइड करेंगे तो उस दो की जगह आपको एक ही इमेज दिखाई देगा ना, एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज आ जाएगा तो उसकी जगह तो एक ही काउंट होगा ना। देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, जो काउंटिंग की थी आपने, माइनस वन करना है, ठीक है। काउंटिंग से क्या कर देना है, एक कम करना, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि दो इमेज उसमें क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि सेकेंड, इफ जो सम किया था ना फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल,
ये 360 नहीं आता है, कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, जैसे 390 आ गया, 355 आ गया, 359 आ गया, 361 आ गया, 360 नहीं होना चाहिए। तो इफ फाइ इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू काउंटिंग, तो ये किसके इक्वल टू होगा, काउंटिंग के इक्वल होगा, है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा एक और मेथड है, वो मेथड और देखें इमेज बनाने का, वो है नेक्स्ट मैक्स नंबर ऑफ इमेजेस इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स। तो सपोज फिर वही है, लेकिन ये मेथड दूसरा है। अच्छा, पहला जो मेथड बताया और ये दूसरा मैं बता रहा हूं, इसको मिक्स मत करना। उसके ऑड इवन का मतलब अलग है, इसके ऑड इवन का मतलब अलग है, वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है ना। तो दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। सपोज ये एंगल है थीटा, यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें हम एक के साथ अल्फा, एक के साथ बीटा, यहां टोटल एंगल देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट कैपिटल एन विच इज 360 डिग्री बाई थीटा डिग्री। कैलकुलेट करोगे तो ये तभी के लिए अच्छा है जब इवन और ऑड इंटीजर आता है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तब पुराना वाला मेथड बेस्ट है। अब पुराने वाले मेथड में आप कहोगे सर टोटल एंगल 60 दे रखा है, इसका नहीं पता है, तो आप कुछ भी मान लेना रैंडम में, जैसे मान लिया आपने इसको 20 इधर 40 या 30 30, जैसे है। असिमेट्रिकल होगा तो 20 40 मान लेना, सिमेट्रिकल है तो 30 30 मान लेना, और डायरेक्शन पहले से एंगल बता रखा है तो आप उसको लीजिए। तो कैलकुलेट पहला ये हो गया। अब स्टेप टू में केस फर्स्ट एक कैपिटल एन इक्वल टू इवन, कैपिटल एन कितना है इवन, देन नंबर ऑफ इमेजेस स्मॉल एन एन माइनस वन। वहां कंडीशन अलग था, वहां जब इवन आया था पिछले वाले जो हमने कंसेप्ट में बताया आपको, जब इवन आया था तो वहां इवन वाले केस में हमने चेक किया था कि फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल का सम 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 360 हुआ तो एक कम बनना है, और 360 नहीं हुआ तो उतना ही बनना है। जबकि इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें तो हमने बोला कि माइनस वन करना ही करना है आपको, समझ गया ना। इसलिए पिछले वाले को इससे मत मिला, वो दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। तो पर आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन उसका मिक्सिंग इसके साथ नहीं करना है। उसको करोगे तो सिर्फ उसी मेथड को अप्लाई करोगे। अच्छा, केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड ये हो सकता है कि इफ एन इक्वल टू ऑड आया तो उस केस में देन नंबर ऑफ इमेजेस स्मॉल एन इक्वल टू या तो उतना ही होगा जितना काउंट किया आपने, या फिर एक कम हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एन कब होगा, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड असिमेट्रिकली। असिमेट्रिकली का मतलब हुआ असिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली का मीनिंग हो गया कि जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा उसके इधर या उधर रखा हो ऑब्जेक्ट, उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। या यूं कहिए कि इस मिरर से डिस्टेंस डिफरेंट हो इस मिरर से डिफरेंट। जैसे हमने जो फिगर बना रखा है इसको ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां से डिस्टेंस ये कम है ये ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, असिमेट्रिकली कहलाएगा। और एन माइनस वन होता है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली। इसको कैसे रखा जाए, सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कहा रहे इसके एंगल बाइसेक्टर पर। पिछले वाले केस में क्या था, यदि ऑड आ रहा था तो हमें कुछ चेक नहीं करना था, ऑड नंबर के बराबर, लेकिन यहाँ पे ऑड आता है तो चेक करते हैं, इवन आता है तो एक हमेशा माइनस वन करना है। और इसमें भी जो एन माइनस वन होने का रीजन वही है, जब भी एक कम हो रहा है इसका मतलब दो इमेज क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी हम सिर्फ
पॉइंट्स अकेले यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा रहता है तो मिरर्स को हम मिलाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उस इंटरसेक्टिंग लाइन पर कोई पॉइंट्स होगा। तो अभी फिगर में क्या दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहा है, तो ये सेंटर का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली, तो इसके जितने भी इमेज बनेंगे I1, I2, I3, I4 ऐसे जितने भी इमेज बनेंगे दोनों के मिला के, ठीक है, तो इसमें ऑल इमेजेस विल लाई ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्किल, है ना, इस सर्किल के पेरिफेरी पे लाई करेंगे। और कह सकते हो कि सारे इमेज का लोकस क्या होता है, और यूं कहिए लोकस ऑफ ऑल इमेजेस विल बी ए सर्किल। और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, देखो सर्किल का रेडियस होगा जो मिरर के इंटरसेक्शन लाइन मिलेगा। अब लाइन नहीं दिख रहा यहां पे, तो पॉइंट दिखेगा क्योंकि मिरर को हमने लाइन से बना रखा है। एक्चुअल में मिरर ऐसे प्लेन है, नोटबुक की तरह, तो उसमें जो एज आएगी, एज कौन सी आएगी, तो उस पर जो लाइन आएगा ऑब्जेक्ट से हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सेंटर कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। लेकिन सारे इमेज होंगे उनका लोकस क्या होगा, उनका लोकस सिंपली एक सर्किल होगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है टाइम सॉन बाई इमेज ऑफ अननंबर्ड क्लॉक। कोई अननंबर्ड क्लॉक है तो वो टाइम कैसे शो करेगा, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये क्लॉक हो गया तो ये हो गया। मान लीजिए इसका ये सेकंड है तो इसका कहां आएगा, इधर आएगा ऐसे। इसका मान लीजिए ये आवर है तो ये कहां चला जाएगा, इधर ऐसे। यदि मैं कहता हूं इसका ये मिनट है तो इसका मिनट कहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यदि ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, इमेज हुआ। यदि आप इसको देखेंगे तो देखो यहां सपोज 9 पे आ रहा है तो यहां पे आवर वाला कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। तो हम इसको कैसे माइनट करेंगे, इसको आप देखें। यदि ऑब्जेक्ट मान लीजिए शो कर रहा है कितना, एक्स आवर बाई मिनट जेड सेकेंड, तो जो इमेज शो करेगा वो क्या होगा, 11 माइनस एक्स आवर 59 माइनस वाई मिनट एंड 60 माइनस जेड सेकेंड, यानी 12 से माइनस करना है आपको। 12 से क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा ऐसे ना हो के मान लीजिए सेकेंड तक नहीं है, सिर्फ मिनट तक है, तो मिनट में क्या है, यदि ऑब्जेक्ट सिर्फ शो कर रहा है एक्स आवर बाई मिनट, तो जो इमेज शो करेगा तो हम सेकंड तक जाएंगे नहीं, तो इसको 11 माइनस एक्स आवर एंड 60 माइनस बाई मिनट, ये होगा। इसी तरह से मान लीजिए सिर्फ आवर में आता है, जैसे ऑब्जेक्ट सपोज कितना है, ऑब्जेक्ट शो करता है एक्स आवर, तो इमेज अब इसमें मिनट सेकंड में भी नहीं जाना है तो सीधा 12 से माइनस करोगे तो ये क्या होगा, 12 माइनस एक्स आवर, ये।
तो आपको 12 से क्या करना है, माइनस। अब यदि सेकंड तक है तो आपको सेकंड तक कन्वर्ट करके माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स 11 आवर 59 मिनट, इसको हमने सेकंड तक बदल दिया, एक आवर कम करके 60 मिनट बनाया था, और 60 मिनट से एक मिनट कम करके तो 59 मिनट बचा, और वो एक मिनट यहां लेके चलेगा 60, तो इसलिए इस तरह से हमें क्या कर देना है, इससे माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो ये टाइम शोन बाय इमेज ऑफ अननंबर्ड क्लॉक हो जाएगा।